चलिए जी, फाइनली हमारा हरा साग भी बन के पूरा गर्मा गर्म खाना तैयार है क्या? तैयार है भाई, चलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। कुछ दिनों में हमारा ट्रैकिंग का प्लान भी होने वाला है, तो मौसम देखो आप कितना प्यारा हो रखा है, बस इसी मौसम का वेट था। तो मौसम हम लोगों को साफ चाहिए, बाकी ट्रैकिंग तो हो जाएगी। पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं ना, तो जितनी भी थकान रहती है वो पूरी गायब हो जाती है। तो बस ऐसा ही मौसम चाहिए था, तो देखते हैं भाई क्या कुछ हो पाता है। बाकी कुछ दिनों में हम लोग भी निकल रहे हैं भाई ट्रैकिंग के लिए। अब देखिए जी, कल ही हम लोग फिर से मेडिकल बनाने के लिए गए थे। वैसे हमने उससे पहले भी बनाया था, बट जो परमिशन होती है ना उसमें 48 घंटे के अंतर्गत वाला ही मेडिकल चाहिए होता है, तो वो हमने फिर से बनवाया, फिर से हमने वहाँ सबमिट किया और फाइनली शाम को हमको परमिशन भी मिल गई थी। तो अब एक दो दिन में हमारा ट्रैक होने वाला है, वह यहाँ से किसी स्पेशल सी जगह पे है, तो वो आपको इसके आगे वाले वीडियो पे दिख जाएगा। और साथ ही साथ पहाड़ों में ठंडा भी स्टार्ट होने बैठ गया है। ऊपर ऊपर आप लोग पहाड़ों पर देखिए भाई, ये जो काले काले पहाड़ हैं इन पर देखिए बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ देख सकते हो। तो ठंडा भी होना स्टार्ट होगा, बाकी बुग्यालों की तरफ जा रहे हैं तो भैया ठंडा भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी अभी देखो आप, जो ये कीट पतंग यहाँ पे जो आवाज़ कर रहा है ना, इसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है निनरा। ये देखो ऐसे आवाज़ करता है भाई। दिन में ट्रैकिंग भी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है भाई स्लीपिंग हो गया और एक कंबल ले जाना। तो ये यहाँ पर एक स्लीपिंग है, ये देखो। तो अभी ये मस्त से धूप लगी हुई है ना, तो इस वजह से यहाँ पे देखो मस्त से डाला हुआ है, तो मस्त से ये सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा भाई। ये देखो, तो ये वाला काम भी निपट गया है सुबह का। अभी माँ भी जंगल गई थी तो माँ भी आ गई है, बाकी माँ लेके आई है ये हरी सब्जी। और मेरा काम क्या है कि मुझे घर में बनाना है भाई आज साग और भात, जल्दी जल्दी करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे भात को रख दिया है, बाकी यहाँ पे देखो मेरे हाथ में ये सब्जी है, तो इसको धोते हैं भाई। हरी सब्जी तो हरा साग बनाएंगे आज। चलो अभी एक बार मस्त से ये हरी सब्जी काटते हैं। फाइनली अपनी सब्जी कट के रेडी हो गई है, बाकी बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर साग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हरा साग बनेगा, बाकी चावल बन के रेडी होने वाले हैं कुछ टाइम में। तो जल्दी जल्दी मस्त से तड़का मारते हैं भाई। और अपना ये देखो, अपना साग भी हो गया है रेडी। तो चलो भाई, अभी मस्त से इसका तड़का लग गया है, बाकी अच्छे ढंग से बॉईल होगा, फिर इसको हम लोग निकालेंगे नीचे पे। बाकी अभी इस पर ढक्कन लगा देते हैं और साथ ही साथ आप अपने नीचे पे निकाल दिया जाए। जिस दिन धूप रहती है ना, तो ऊपर से एक तो टिन लगा हुआ है यहाँ पे छत पे, तो भयंकर वाली गर्मी होती है। इस वजह से मैंने लकड़ी वाले चूल्हे पे नहीं बनाया है, गर्मी से बुरी हालत हो जाती है और साथ ही साथ धुआं भी हो जाता है। और दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर हवा चलती है ना, तो सोचा छोड़ देते हैं। ये अच्छे ढंग से हमारा यहाँ पर जैसे बॉयल होता है फिर इसमें आटे का पेस्ट बनाया जाएगा। और साथ ही साथ देखो भाई, आज यहाँ पर आया है खिरकंडा, तो आज रात को बनेगी भाई खिरकंडे की सब्जी। तो आप बताना आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको खिरकंडा बोलते हैं। ये देखो सेम कद्दू जैसी सब्जी होती है इसकी, इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। अच्छे ढंग से इसको बॉयल होने देना है, ये देखो आप लोग, बिल्कुल बहुत तेज ढंग से और बारीक करना है। बारीक वैसे हमने कुछ चाकू से कर दिया था, बाकी कुछ इसको और अच्छे ढंग से इसको बिल्कुल पतला होने देना है, तब जाके हम लोग इसमें पेस्ट मिलाएंगे। इसको भी ढक्कन लगा देते हैं। तो चलिए जी, लगभग काम कंप्लीट होते जा रहा है, बाकी अभी तो मैं खाना बना ही रहा हूँ। सामने पंचायती छत में देखो भाई, यहाँ पर लंगूर आ गए हैं, अब रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर साइड यहाँ पे भटकी दाल लगाई हुई है ना, तो इसलिए लंगूर देखो इनका इतना आतंक रहता है आजकल। लंगूर हो गया और बंदरों का आतंक, ये देखो
और ये पूरे छत में यहाँ पर घास डाली हुई है, देखो अब वो वहाँ पर से अखरूट के पेड़ पर जाएगा। रेगुलर यहाँ पर आना हो गया है इनका, यहाँ देखो भाई वो चाची हो गया और ताई जी जा रहे हैं उनको भगाने के लिए, ये देखो ऊपर वहाँ पे चले गए हैं। अब आजकल लंगूरों का भी इतना ज़्यादा आतंक हो गया है ना, क्योंकि जो भटकी दाल है वो पकना स्टार्ट हो गई है, तो फिर पूरी ख़त्म कर देते हैं वो ना, और घास भी वैसे ज़्यादा ज़्यादा है तो पता ही नहीं चलता है कि लंगूर आ रखे हैं, वो बीच घास में छुप जाते हैं, बीच घास में बैठे रहते हैं और पता ही नहीं चलता है कि लंगूर है, तो ऐसा कुछ है। बाकी वो लोग तो भगा रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देता हूँ। चलो तो चलिए जी, यहाँ पे पेस्ट भी मैंने रेडी कर दिया है, बाकी ये भी देखो अच्छे ढंग से लगभग गल गया है, तो उस पेस्ट को मिला देते हैं इसमें, ये देखो। चलो अब इसको देखते हैं। तो चलिए जी, फाइनली हमारा हरा साग भी बनके रेडी हो गया है, तो चलो इसको भी नीचे पे निकाल देते हैं। अब खाना बनके रेडी हो गया है, बाकी यहाँ पे खीरे हैं और अपना कपली भात है, तो चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी, शाम के 5:30 हो गए हैं और सामने देखो पूरे गोल्डन हिमालयाज दिखाई दे रहे हैं और हिमालय के बीच और बीच में देखो यहाँ पर बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अभी का ऐसे नज़ारे हैं भाई पहाड़ों के। और घर के इस साइड देखो, यहाँ पर चाची लोगों ने भी अपना घास लगा दिया है इस वाले पेड़ पर, तो कुछ दिन पहले ये घास यहाँ पर सुखाने के लिए डाला हुआ था और अब यहाँ पर लग गया है। बाकी नीचे पे देखो चाची जी, जो जो इनका भट हुआ होगा ना, तो वो भट की दाल को अलग कर रही है नीचे नीचे साइड, ये देखो आप यहाँ पर, तो जो जो भट की दाल है उसको ऐसे अलग करना है, फिर इसको छत में ले जाते हैं, क्योंकि अब लगभग जो भट की दाल है वो पक चुकी है, तो कुछ ऐसा है। बाकी सामने पे लोग लगे हुए हैं यही काम करने पर, सामने देखो भाई, ये देखो यहाँ पे ताई जी लगी हुई है, तो आजकल पहाड़ों के ऐसे ही काम है भाई। बाकी अब कल से हमारा ट्रैक भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आगे की तरफ, बाकी बहुत ही शानदार ट्रिप होने वाला है। वैसे तो आप लोग सबको जानते होंगे, मैं हो गया, दीपा भाई हो गए, आलोक भैया हो गए, सुजान भैया हो गए और कैलाश, तो हम 5 लोग जा रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं भाई कैसा ये सफ़र रहता है, बाकी वीडियोज़ के साथ बने रहना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये ट्रिक। और जितने भी हम लोग जा रहे हैं, तो आज क्या है कि आज शाम को सब लोग ऊपर रांची में आ जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट जी। लगभग शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो ही गया है, तो चलो भाई फाइनली दीपक भाई भी आ गए। बैग भी है ना? ना, बड़ा बैग है भाई, बड़ा बैग है ना। ऐसे रास्ते में पहुंचे वैसे ही सुजान भाई मिल गए। नमस्कार, नमस्कार, ठीक ठाक, नमस्कार, नमस्कार, ठीक ठाक जी। अभी सब के सब हम लोग दीपक भाई के घर पे आ गए हैं और यहाँ पे देखो सब के सब एडिट करने पे भी लगे हुए हैं, दोनों के दोनों एडिट कर रहे हैं, सुजान भाई की भी एडिटिंग बची हुई है, कैलाश देखते रहे ना बचे हुए, सूट कर रहा मैं थोड़ा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप, जितना भी हम लोगों का सामान है वो सब हमने ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हो, बाकी यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो। तो चलो भाई जल्दी जल्दी ये लोग एडिटिंग खत्म करते हैं और फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अंशु चाचा के यहाँ पर भी आ गए थे, बाकी यहाँ पर रोटी बन के रेडी हो गई है और ये देखो यहाँ पे पनीर बना रखा है चाचा जी ने, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है यहाँ पे पनीर वगैरह रखते हैं। चलो चलो भाई, मस्त रख दिया है। तो चलिए जी, अभी रात के लगभग 10:30 हो गए हैं और मैं भी घर आ गया हूँ। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि ऊपर ही रहने के लिए, कि ऊपर ही रहो, और मेरा सामान घर ही में था भाई। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये मेरे जितना भी मैंने यहाँ से कपड़े ले आने हैं वो सब यहाँ पर हैं, और जो जूते हैं वो यहाँ पर हैं रखे हुए। सुबह हमारा यहाँ से ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं भाई क्या कुछ हो पाता है। इस वीडियो को भी बस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाकी इसके बाद अब ट्रैकिंग की वीडियो देखने को मिलेगी, शानदार सी वीडियो, अलग लोकेशन, मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए देखते रहना, बाकी मिलते हैं, बाय बाय।